हेलो फ्रेंड्स, मीनू किचन एंड गार्डन जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक प्यारे से टॉपिक पर वीडियो लेकर। और आज इस प्यारे से प्लांट का नाम तो आप जैसे कि जानते ही हैं, टमाटर का प्लांट। और देख लीजिए मेरे इस टमाटर के प्लांट में कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ टमाटर हैं दोस्तों, वो लाल भी हो चुके हैं। और इधर भी मेरा एक प्लांट है टमाटर का, काफ़ी सारे टमाटर के प्लांट दोस्तों मैंने लगाए हुए हैं और धीरे धीरे लाल होते जा रहे हैं अब टमाटर। और सर्दियों में लाल होना थोड़ा सा देरी से होता है ये प्रोसेस टमाटर के लाल होने का, क्योंकि धूप का जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को वो उतनी नहीं मिल पाती, ठंड बहुत होती है, इसलिए भी जो टमाटर होते हैं प्लांट में वो लाल नहीं हो पाते। तो आज हम दोस्तों जिस टॉपिक को लेकर आए हैं टमाटर के प्लांट के लिए, वो ये है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको काटने के क्या फ़ायदे होते हैं, जो पीली पड़ जाती हैं पत्तियां उसको क्या फ़ायदे होते हैं काटने के टमाटर के प्लांट के ऊपर, वही सब बातें आज हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे इस प्लांट पर आपको पत्तियाँ बहुत ही कम नज़र आ रही हैं और टमाटर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो वो इसलिए दोस्तों, जिस तरीके से टमाटर जब फल बनाने लग जाता है तो बहुत सी पत्तियां, उसकी नीचे की पत्तियां वो छोड़ता जाता है और वो पीली हो जाती हैं। कुछ पत्तियां दोस्तों जिसमें वायरस हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, वो भी पत्तियां पीली और काली हो जाती हैं। तो वो भी जो प्लांट पर लगी रहती हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों, जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं, पीली पड़ चुकी हुई पत्तियां होती हैं, वो आप हटाते जाइएगा। उससे सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बता दूं, अगर आप नीचे की पत्तियां हटा देते हैं तो जो प्लांट की जड़ें होती हैं उनमें अच्छे से धूप जाती है और जो प्लांट की ग्रोथ होती है इससे बहुत अच्छी होती है, वो अच्छे फल आपको दे पाता है। सेकेंड दोस्तों, पत्तियाँ ऊपर से भी जब पीली पड़ जाती हैं तो वो भी आपने हटा देनी है, और जो काली पड़ जाती है वो भी हटा देनी है। क्योंकि जितने भी दोस्तों प्लांट में आपके इंसेक्ट लगते हैं वो सब पत्तियों की वजह से ही लगते हैं। अगर आप पत्तियां, पीली पड़ चुकी पत्तियां या काली पड़ चुकी पत्तियां हटाते जाएंगे तो जो इंसेक्ट है वो ज़्यादा आपके प्लांट में नहीं लग पाएंगे। थर्ड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पत्तियां हटाने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो प्लांट होता है उसके जो फल होते हैं उनको ठीक से धूप नहीं पहुंच पाती अगर आप पत्तियों को नहीं हटाते हैं टाइम से, और ना ही उनको धूप लगती है, और धूप नहीं लगती है फलों को तो वो लाल भी जल्दी से नहीं हो पाते हैं। तो ये देख लीजिए, साथ साथ मैं अपने टमाटर की हार्वेस्टिंग भी कर लेती हूँ। कुछ टमाटर हैं जो मैंने इसमें से तोड़ लिए हैं जो लाल हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरे ये जो टिप हैं पत्तियों को लेकर, ये ज़रूर आप आजमाइएगा, और इसी तरीके से आप अपने प्लांट की, टमाटर के प्लांट की केयर कीजिएगा। तो देखिएगा खूब सारे अच्छे अच्छे टमाटर आपको अपने प्लांट में देखने को मिलेंगे और इंसेक्ट का अटैक भी कम होगा। तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।